दोस्तों नमस्कार। और शाम को 8 बजे हमारा गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है स्टार एजुकेशन के अंदर। और आज का जो गवर्नमेंट जॉब निकला है दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं या अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं तो आप फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर सीधी भर्ती 2021 की आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सिलेबस क्या है और एग्जाम क्या रहने वाला, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। और साथ में आपको वेतन कितना मिलेगा दोस्तों, नॉर्मल पोस्ट के ऊपर 45,000 से लेकर 90,000 तक आपको वेतन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम मेन वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और वेबसाइट के अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं। रिको की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रिको की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आपका आ चुके हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे पूरा करेंगे। रिको का ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिको का ऑनलाइन पोर्टल है, उस पोर्टल के अनुसार हम आपको लेके चलेंगे। और दोस्तों व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं और व्हाट्सएप के नंबर से माध्यम से दोस्तों यहाँ पर 10 पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे कुल 10 डिपार्टमेंट की पोस्ट है। और यहाँ से आपको दोस्तों फॉर्म भरना, कैसे अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट का भी ऑफिसर का दे रखा है। और अगर आप 10 और 12th पास है तो स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल इन तीनों के ऊपर लेके चलूंगा, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के ऊपर। तो दोस्तों मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास में एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। एक तो आ चुका आपका नोटिफिकेशन हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो मैं चलिए हिंदी लैंग्वेज वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। आपके सामने ये एक और नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपका पूरा का पूरा बायोडाटा अपग्रेड करने वाला है। तो एक नंबर है, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए दे रखा है कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट तिलक नगर भवन जयपुर की ओर से विस्तृत किया गया है। और दोस्तों यहाँ 17 तारीख यानी आज की डेट 17/10/2021 को ऑनलाइन फॉर्म आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। कुल आपका जो आवेदन है वो है 217 पोस्ट है, कुल कितनी है 217 पोस्ट है दोस्तों। अच्छा आवेदन है, कभी भी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक महीना आपको दिया जा रहा है और एक महीने के अंदर आप फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो करेंगे पूरी डिटेल के साथ में इस जानकारी और हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। और चलिए फटाफट से करते हैं इनकी शुरुआत और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और आपका एग्जाम डेट सिलेबस पूरा जानकारी इस माध्यम से हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसी की बात करें बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए, इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। हम तैयारी आपका करवा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी भी हम आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पोस्ट की बात करें, पोस्ट अच्छी पोस्ट है, 10 पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक लेखक की 80 पोस्ट है, कितनी पोस्ट है 80 पोस्ट है। तो उस हिसाब से हम आपके साथ में करने वाले। तो चलिए एक बार मैं आपको रीड ऑन कर लेता हूँ सभी का। यस बिल्कुल, और मैं एक एक चीज आपको जो बताने वाला हूँ, ये आपकी पीडीएफ फाइल है, पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल आपके सामने आ चुका है। यस मैं राइटिंग करूंगा पेन के साथ में, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों, क्या है समझने में आसानी हो। चलिए ये जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यस आपकी वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। यस देखिए पूरी की पूरी वैकेंसी आप सभी के लिए, पूरी डिटेल से जानकारी मैं आपको बताऊं, एक एक पीडीएफ बताऊंगा। आरक्षण सभी को दोस्तों, जो आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपको दे रखा, क्या दे रखा है आरक्षण आपको दे रखा। सबसे पहले आपको आरक्षण की बात करें, महिला है पुरुष है, यहाँ पर आपको आरक्षण दे रखा है। जनरल ओबीसी, ब्रॉडकास्ट, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीबीएस और विकलांग कैटेगरी का सभी का आपको आरक्षण यहाँ पर दे रखा है। अब दोस्तों कुल पदों की संख्या 217 पदों की संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पूरी डिटेल के साथ में क्या क्या दे रखा है, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। यस चलिए देखते हैं
दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो वेतन है ना, वेतन की बात करें, पैसों की बात करें, 39,000, 31,000, 26,000, 26,000, 26,500, 26,500, 23,700, 23,700, 18,500, 15,000, ये आपको केवल दो वर्षों के लिए मिलेगा, उसके बाद में आपका वेतन के अंदर बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। कितने साल? दो साल तक मिलेगा, उसके बाद आपको वेतन की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आपकी वरीयता क्वालिफाई क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो जूनियर अकाउंटेंट का कर रहे हैं, देखिए जूनियर अकाउंटेंट कर रहे हैं, बीकॉम के अंदर 60% होने जरूरी दोस्तों, आपको बता देता हूँ। 60% अगर आप कॉमर्स बीकॉम कर रखी है, कॉमर्स वाले भर सकते हैं, बीकॉम के अंदर 60% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपको RACET कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है, पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में अगर आप क्या बोलते हैं कि दसवीं जो बारहवीं पास है, क्या है दोस्तों बारहवीं पास है, क्या है बारहवीं पास है, तो बारहवीं पास के लिए दोस्तों स्टोनोग्राफर की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, स्टोनोग्राफर की है, बारहवीं पास है और आपको, और इसके साथ साथ में अगर आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का आपको फॉर्म आपको लगाना होगा। उसके साथ साथ में यस कनिष्ठ सहायक के लिए इसमें अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर भी दे रखा दोस्तों, बारहवीं पास है तो बारहवीं पास फॉर्म आप पे भर सकते हैं। तो ये रही मैंने जो पोस्ट बताई है, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं अच्छे से, यस बिल्कुल है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं से भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और जो एज सीमा है 18 से लेकर 40 साल, सबसे पहले आपकी एज की उम्र है 18 से लेकर 40 साल तक आप फॉर्म इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं एज की बात करें। उसके बाद में आवेदन की तारीख 17/10 से लेकर 13/11 तक रात को 12 बजे तक, तो 13 नवंबर आपकी लास्ट तारीख है, ये आपको ध्यान में रखना, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। चयन प्रक्रिया आपको क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, देखिए सबसे पहले 10 नंबर है, 8 नंबर है और आपका 4 नंबर है, इसके अंदर पहला पेपर 180 का, फिर 270 का, तो 450 का होगा। उसके बाद में 180 100 नंबर की आपकी टाइपिंग होने वाली है, 550 का, उसके बाद में यही 550 का, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपकी मेरिट निकलेगी और मेरिट के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा का स्थान और तिथि के बारे में पूछा गया है, सभी लिखित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसका सिलेबस है, उसका जो सिलेबस मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा पूरा का पूरा, और वहां से आप एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा, तो वहां से आप सिलेबस भी कवर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद में आपका रंगीन फोटो होना चाहिए, 6 महीनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में हस्ताक्षर वगैरह होना चाहिए, यस प्रवेश पत्र आपकी वेबसाइट, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए दोस्तों, RICO. देखिए RICO.IN के ऊपर आपको सब कुछ आपको मिलेगा, प्रवेश पत्र वगैरह ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी है वैकेंसी से संबंधित है, कोई भी आपको प्रॉब्लम कोई सूचना लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, नंबर सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से भी आपको कौन सा फॉरम है नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा सामने आपको RICO की ओर से अपडेट दे दिया पूरा का पूरा, अधिक जानकारी के लिए आप मेल भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन भी कर सकते हैं, तो थैंक यू सो मच, और भी आपको जानकारी अपडेट चाहिए तो हमारे साथ जुड़ते रहे, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, धन्यवाद।